Yes. सबसे पहले सीजन 3 के लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे थे कब आएगा सीजन 3। अब तो आ ही गया है, ट्रेलर हमने देखा, बहुत अमेजिंग। थैंक यू। आप लोगों को कैसा रहा अनुभव सीजन 3 में, कितना कुछ क्या कुछ अलग देखने मिलेगा सीजन 3 में? सीजन 1 में मेरा बेटा इन्होंने मार दिया। सीजन 2 में इनका बेटा मेरा बेटा इन्होंने मार दिया। इन्होंने एक्चुअली नहीं मारा, बट काइंड ऑफ मतलब आई वाज रिस्पांसिबल फॉर इट। बट द थिंग इज दैट के सेकंड सीजन में एक ऐसे जंक्चर पे कहानी आके खड़ी है जहाँ पे ये दोनों टूट चुके हैं अपने अपने जो कारण हैं उसकी वजह से। तो इसके आगे आप कहाँ जाएगी कहानी, तो ये उत्सुकता बहुत है। जब सेकेंड सीजन रिलीज हुआ था बहुत सारे लोगों ने देखा था और तब भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अब हमसे रुका नहीं जा रहा, आप कब ला रहे हैं थर्ड सीज़न। तो मेरे ख्याल से नागेश और रोहित जो हमारे मतलब नागेश निर्देशक भी हैं और लेखक भी हैं और रोहित जिन्हें लिखा है उनके साथ, तो उन्होंने जिस तरह से कहानी को आगे बढ़ाया है, एक तो अहम सवाल उसमें ये है कि ये जो दोनों हैं जो एक दूसरे के इतने खिलाफ थे दोनों सीजन में, अब इनका रिलेशनशिप कैसे होगा, ये कहाँ जाएंगे दोनों एक दूसरे के साथ, ये जो पर्सनल चीज़ है। और दूसरा है ऑफकोर्स पॉलिटिक्स, तो उसमें फिर जो अंदरूनी जो उनके दुश्मन हैं वो तो हैं ही, जैसे ग्रुप हैं, लेकिन फिर और भी दुश्मन इसमें हैं जिनसे इन दोनों को टकराना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक तरह से जो लोगों को चाहिए था कि ये कहानी वैसे ही उसी रफ्तार से आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि उसी रफ्तार से बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही कहानी दिलचस्प है। प्रिया आपसे जानना चाहेंगे, BTS मूवमेंट मैंने बहुत सारे देखे हैं जहाँ डायरेक्टर बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि नहीं नहीं बस अभी यहाँ पे ये इतना ही काफ़ी है और हमें टेक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ सचिन सर ने भी बोला हमें जितना चाहिए उतना ही लेंगे। कैसा रहा आपका अनुभव जब डायरेक्टर्स ऐसे मिलते हैं जो जिनके साथ कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता है कि फिल्म ईजीली बन सकती है, सीरीज ईजीली बन सकती है? आई थिंक नागेश सर के बारे में कहूँ तो वो बहुत प्रिसाइज तो हैं ही, लेकिन वो ऑप्शंस भी ट्राई करते हैं। ऐसे नहीं है कि उनके दिमाग में जो टेक है अगर आप वो कर दें परफॉर्म तो वो रुक जाए, वो कभी कभी वेरिएशंस ट्राई करते हैं कि हम ऐसा हमने किया है लेकिन क्या हम ये ट्राई करके देखें। और ये आपको भी वो मौका देते हैं कि अगर आपको कुछ ऐड करना है, आपको कुछ अलग तरीके से ये टेक करना है, एक सेफ्टी का हमारे दिमाग में जो है वो हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप किसी अलग तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हो तो वो ज़रूर मौका देते हैं। एंड आई फील दैट आई मीन इट इज़ वेरी नाइस बिकॉज इट इज़ वेरी एक्टर्स को सोचना पड़ता है, एक्टर्स को उस उनके किरदार पर काम करना पड़ता है। एंड एवरी टाइम यू कम एंड वर्क विद नागेश सर, ही मेक्स श्योर दैट ही विल वर्क ऑन दोज एवरी स्मॉल डिटेल ऑफ दैट कैरेक्टर। सो इट्स बीन अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। मुझे ये लगता है कि जो कह रही है प्रिया, इस बार उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पुश किया है अपने आप को और हम लोगों को जहाँ तक वेरिएशंस का सवाल है। तो कुछ तो ऐसे सीन्स रहे हैं जिनमें तो इतने ऑप्शंस उन्होंने करवाए हैं हम लोगों कि से कि कभी कभी हमें पता नहीं चला भी एडिट में लगेगा क्या लगेगा क्या तो और उसके बारे में बात भी हुई थी आपकी एक बार। एंड एक्चुअली आई रिमेम्बर इट इज योर एंड माय सीन। तो सी ये जो फॉर्मेट है ना, इसका यही मजा है कि मतलब ये 4 साल से हम लोग ये कर रहे हैं और यही किरदार निभा रहे हैं हम 4 साल से। नागेश सर भी हमारे साथ 4 साल इस पे काम कर रहे हैं राइटिंग पे, और आपको लोगों का भी फीडबैक मिलता है कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस पता चलती हैं आपको, और इन सारी चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। पर्सनल तौर पे भी आपका अनुभव बढ़ रहा है ज़िंदगी का, तो एज एन एक्टर भी आपका अनुभव बढ़ रहा है, तो इसलिए ये फॉर्मेट बहुत एज एन एक्टर आपको सेटिस्फैक्शन देता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप खुद को पुश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आई एम रियली रियली हैप्पी
एज एन एक्टर विद दिस फॉर्मेट? सी हमने बहुत इन्जॉय किया ये किरदार, इस किरदार को निभाना भी, इस सेट पे जाना भी, नागेश सर के साथ काम करना भी. बट नागेश सर का सेट ये बहुत डिसिप्लिन सेट होता है. जो भी मजाक चलता है वो अगर हमारे पास जेन्यूनली बहुत टाइम है दो सीन के बीच में तभी होगा, लेकिन वो रेयरिटी होती है. और सीन्स और सेट का माहौल बहुत ही डिसिप्लिन रहता है. आप आते हो, लाइंस करते हो, रिहर्सल करते हो, परफॉर्म करते हो, और जब एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, जब सीन शुरू है, टेक चालू है, तब सेट पे कोई नहीं बोलता, किसी के फ़ोन नहीं बजते, सब लोग शांति से सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हैं. एंड आई फील ऐसे डिसिप्लिन में ओ वी हैड लॉट ऑफ फन, ये मैं नहीं बोल सकती, बट we had lot of fun shooting and working on these characters. That we genuinely did, because aise kirdar milna, unko nibhana aur unko perform karna aur wo performance ka jo maza hai wo hame bahut mila. Baki ki sare maze to humne vanity van mein hi time pass kiye. aur ye isliye hota hai jo ye nagesh sir ke set ki baat kar rahi thi, jaisa maine kaha ki nagesh sir hain, hum log to hain hi 4 saal, unki almost puri team wahi hai. उनके जो असिस्टेंट्स हैं, और ये रेयरिटी है, इतने आसानी से नहीं होता कि आपकी जो पूरी टीम है असिस्टेंट्स की या बाकी लोगों की, वो वही बरकरार रहे. ये मेरे ख्याल से एक उदाहरण है कि आप किस तरह से पेश आते हैं एज अ पर्सन, इसीलिए लोग आपसे जुड़े रहते हैं. और एक्टर्स और डायरेक्टर्स का तो ठीक ही है, क्योंकि हम तो कमिटेड हैं, क्योंकि हमारे चेहरे हैं तो दिख गए हैं, लेकिन ये टीम का साथ रहना बड़ा ज़रूरी है, और इसीलिए ये जो डिसिप्लिन कह रही हैं वो रहता है सेट पे. आई डोंट नो, ये राइटर्स से पूछना पड़ेगा, बट मुझे ऐसे कुछ इस सीरीज़ के बारे में सुझाव कभी इनबॉक्स में, नहीं तो इंस्टाग्राम डीएम में, कमेंट में कभी आया नहीं है. जेन्यूनली अबाउट दिस सीरीज़, लोगों को वो सेकंड सीज़न इतना पसंद आया कि मुझे लगता है कि शायद तीसरा सीज़न आने में जितना वक्त गया वो बहुत ही रेस्टलेस हो गए. वो मुझे बस इतने ही कमेंट्स आए कि कब ला रहे हैं थर्ड सीज़न, कब ला रहे हैं थर्ड सीज़न. सो अब आ रहा है थर्ड सीज़न 26 मई को, देख लीजिए. मेरी एक बहुत करीबी दोस्त है, वो जैसे ही सेकंड सीज़न ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि थर्ड सीज़न में ना ये होने वाला है. तो तब तक तो हमने लिखा भी नहीं था वो सीज़न, हमें पता भी नहीं था. तो आई एम श्योर जब वो ये थर्ड सीज़न देखेंगी तो ज़रूर मुझे फ़ोन आने वाला है कि देखा. एक चीज़ एक्चुअली है, सेकेंड सीज़न की एंड में एक खाली कुर्सी दिखती है और पूर्णिमा गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ पे. तो उसके बाद जब भी अगर लोग मुझे रिकग्नाइज़ करते थे एज सिटी ऑफ ड्रीम्स, पूर्णिमा गायकवाड़ और एक्टर, एवरी टाइम पीपल यूज़ टू आस्क मी द सेम क्वेश्चन, ये पूर्णिमा कहाँ गई बताओ. एंड आई यूज़ टू गो नॉन प्लस बिकॉज आई डेंट नो, आई डेंट हैव द आंसर. और क्या है ना भाई, हम सब लोग भी मैच्योर हो चुके हैं, हम लोग भी उसमें घुल मिल गए हैं. तो उसका पूरा जो निचोड़ है वो थर्ड सीजन में ज़रूर दिखाई देगा. तो मुझे लगता है कि हर एपिसोड इसका मज़ेदार रहेगा और लोग बहुत सराहेंगे, ऐसा मुझे लगता है. मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था जब सीज़न 3 का स्क्रिप्ट आया, बस पढ़ा.
मेरी और नागेश सर की मुलाकात हुई थी एलए में, जब वो अभी लिख रहे थे उसे और अभी अभी ख़त्म किया था, तो उन्होंने कहा कि अभी अभी मैंने ख़त्म किया और अभी अभी भेजा है प्लेटफॉर्म को और एप्लॉस को कि कैसा है क्या। तो मैंने बहुत कोशिश की थी उनको पूछने की कि क्या होता है क्या, तो नहीं, 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 वो पढ़ लेना, नहीं, 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 वो पढ़ लेना। तो हालांकि जब आपको पता है कि ये मेरे सामने बैठा है मेरा डायरेक्टर राइटर और वो कह रहा है कि मैं लिख चुका हूँ पर मुझे नहीं मालूम है कि इन्होंने क्या लिखा है, तो वो एक उस टाइम से मेरे दिमाग में था कि अरे क्या हो सकता है, ये कहाँ जाएगा, ये कैसे होगा, तो वो ज़रूर था जब तक मैंने उसे नहीं पढ़ा था। छब्बीस मई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सिटी ऑफ ड्रीम्स का तीसरा सीजन आ रहा है, सो प्लीज़ देखिए और तब तक रिफ्रेश कर लीजिएगा फर्स्ट सीज़न और सेकंड सीज़न फिर से देख लीजिएगा, और अभी तक देखा नहीं है तो फिर तो ज़रूर ही देखिएगा क्योंकि 26 मई को आपको थर्ड सीज़न देखना है। थैंक यू। फोटो निकाल ला यार, फोन दे निकाल के दे दो, हम चारों का फोटो एक मिनट में। 1 मिनट एक ट्रॉली में ले ले चलो मैडम ऐसा लगे इधर सचिन सर हाँ Thank you. Everybody is watching. Hello, गर्मी में अच्छे कपड़े पहन के आऊंगा। थैंक यू सर। सर एक राइट में सर।